नमस्कार दर्शकों, जय कांग्रेस में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं बीरपाड़ा क्षेत्र से, दीन बाजार क्षेत्र से, और आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखाना चाहेंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हाँ दर्शकों, निर्दलीय कैंडिडेट बुद्धिमान लामा तामंग आज इस क्षेत्र में चुनावी प्रचार में निकले हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और पर्ची भी बांट रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं और उनके साथ आप देख सकते हैं कुछ युवा भी साथ में जुड़े हुए हैं। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं चुनावी प्रचार इस समय चलता हुआ, एक एक व्यक्ति से पर्सनली मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं का जानकारी ले रहे हैं। और युवा हैं, पेशे से शिक्षक हैं और लोगों से वोट की अपील करते हुए अपने कलम सिंबल जो है उसके बारे में भी जानकारी देते हुए और लोगों की समस्याओं का भी जानकारी लेते हुए आप सभी को पता होगा कि 13 नवंबर को मदारीहाट विधानसभा उपचुनाव बाई इलेक्शन होना है और आपको पता होगा कि इस उपचुनाव में अन्य दल जो हैं, तृणमूल कहें, भाजपा कहें, कांग्रेस कहें, अन्य जो भी हैं, सभी जोरों शोरों से चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि युवा एक कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट है बुद्धिमान लामा तामंग, और शिक्षक हैं, प्रोफेशन से शिक्षक हैं और एक गोरखा छवि है उनका। निश्चित तौर पे काफी समर्थन गोरखाओं द्वारा मिलना माना जा रहा है। और आप ये दृश्य देखें, लोगों को पर्ची बांटते हुए और प्रचार में लगे हुए हैं और उनके साथ साथ कुछ युवा भी साथ साथ में मौजूद हैं। एक तरफ है जहां पे बड़े बड़े दिग्गज हस्ती चुनावी प्रचार प्रसार में अन्य दलों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं बुद्धिमान लामा तामंग के साथ युवा पीढ़ी साथ में देखा जा रहा है। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं, आप ये दृश्य देख सकते हैं, लोगों से मुलाकात करते हुए, लोगों से अपने चुनावी चिन्ह कलम के बारे में जानकारी देते हुए और वोट की अपील करते हुए ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। और काफी लोग आशाएं भी लगाए हुए हैं, युवा एक छवि, पेशे से शिक्षक, और ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय चुनावी प्रचार करते हुए और ये दृश्य दिखाते हुए हम लोग यहाँ से विदा लेंगे और उनके साथ हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, उनके जो चुनावी प्रचार प्रसार का क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या सोच और कुछ प्रश्नों के साथ उनसे जुड़ेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल जय कांग्रेस के साथ।